सब्सक्राइब कीजिए DDN न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हनुमान बेनीवाल के इस एक कदम ने मिटाई जाट राजपूत नेताओं की दूरियां। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचार के दौरान एक और जहां सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और जाति के नाम पर वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, वहीं नागौर में हनुमान बेनीवाल के एक प्रयास ने बरसों से अलग धारा में बह रही जाट राजपूत समाज के नेताओं की दूरियां खत्म कर दी है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आगे आपको और भी जानकारी मिलेगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि हनुमान बेनीवाल का राष्ट्रीय हित और दोनों समाजों के वैमनस्य को खत्म करने के लिए ये प्रयास कैसा रहेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। दोस्तों, टिकट मिलने के बाद जब NDA के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल नागौर पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में एक बात थी जो बरसों बाद पहली बार हो रही थी, वह थी जाट राजपूत नेताओं का साथ। इन दोनों समाजों के बीच नेताओं की सियासत ने काफी दूरियां पैदा कर दी थी, लेकिन बेनीवाल के रोड शो में सारी भ्रांतियां दूर हो गई। भाजपा रालोपा के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के साथ जाट और राजपूत समाज के नागौर से तमाम नेता मौजूद थे। इससे पहले दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों समाजों को बांटने के लिए राजनीतिज्ञों ने भरकस कोशिश की थी, जो हमेशा करते रहे हैं, लेकिन यह संभवतः बीते चार दशक में पहला चुनाव होगा जब इन दोनों समाजों के नेता साथ साथ रहेंगे। हनुमान बेनीवाल के इस रोड शो में जहां कांग्रेस और उनकी उम्मीदवार ज्योति मिर्दा की नींद उड़ा दी है, वहीं जो लोग जाट राजपूत समाज में दूरियां पैदा कर वोट बटोरने का काम करते थे, उनके मंसूबों पर पानी घिर गया है। बेनीवाल के इस रोड शो में नागौर की रालोपा और भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक भी मौजूद थे। इस रोड शो में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित नागौर के जाट राजपूत नेताओं व कार्यकर्ताओं का महासंगम साथ में रहा। इस मौके पर बेनीवाल ने कहा कि मोदी को PM बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और इसके लिए वे यहाँ से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं। इस मौके पर लाडनू के पूर्व विधायक ठाकुर मनोज सिंह के नेतृत्व में हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया गया। मनोज सिंह ने आह्वान किया कि हमें हनुमान बेनीवाल को राज्य में सबसे बड़ी जीत दिलाकर भेजना है। इसी तरह से पर्वतसर से पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, नावा से पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, डेडवाना से भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, भाजपा जिला अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, देहात अध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मुंडेल ने भी बेनीवाल के लिए जान की बाजी लगा दी है। उल्लेखनीय है कि बेनीवाल ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विरोधियों द्वारा हमेशा उनको राजपूत समाज का विरोधी बताकर प्रचार किया जाता रहा है। ऐसे लोगों पर नागौर के नेताओं ने तमाचा जड़ दिया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।